हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, ये आपका क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, ठीक है। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, और कब किया गया था दोस्तों, तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है डेट को। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। गोदीवाड़ा का ही हिंदी होता है दोस्तों डाकयार्ड, ठीक है। इसका अवशेष कौन से नगर से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लोथल। और लोथल का खोज किसने किया था दोस्तों, तो एस आर राव, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि लोथल का खोज किसने किया था, एस आर राव, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। यहाँ पे दोस्तों आपको दो सवाल को याद रखना है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, या फिर मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विहद्रथ, ठीक है। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ये आपका विहद्रथ था। और प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यही मौर्य वंश के संस्थापक थे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ये भी दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, ये सवाल आपका हर साल पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य, और इन्हीं के दोस्तों चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पर चाणक्य ऑप्शन में रहा तो उसी को आपको टिक करके आना है। आगे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा गया। ये दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, ये भी आपका हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। जो मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, ये आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1922 ईस्वी में। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। ये भी दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा 2-3 बार, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और सभी क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। देखिए ये सवाल आगे आपका, मैंने इसका आंसर बता दिया दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पन, तोल, दिनार या फिर काकनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पन। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था दोस्तों, ये आपका पन था। आगे देखिए दसवां नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है। इसका आंसर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निमांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपका बताना है कि कौन सा जो है वो आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। बिंदुसार, ये दोस्तों आपका मौर्य वंश का शासक है। अशोक, ये भी मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी मौर्य वंश का शासक है। अजातशत्रु, ठीक है, ये आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। जो अजातशत्रु है दोस्तों, ये आपका हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, हर्यक वंश का शासक कौन है, तो अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। आपका ऑप्शन है 352, 173, 305, 261, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आम्रवती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आम्रवती का स्तूप जो है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए अगला प्रश्न है,
बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो ये दोस्तों आपका जातक कथा में संकलित है, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? और ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके संरक्षण में योगदान किसने दिया था, ये आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों ने दोस्तों आपका सांची के स्तूप में संरक्षण दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये भी दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में। और कौन सा जगह वैशाली का? तो कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। इसको आपको याद रखना है जगह को भी। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय दोस्तों दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है श्वेतांबर का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अस्तुल भद्र जो श्वेतांबर के संस्थापक थे दोस्तों, ये आपका अस्तुल भद्र थे, और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु, ठीक है। दोनों को आपको संस्थापक को याद रखना है, श्वेतांबर का अस्तुल भद्र और दिगंबर का भद्रबाहु, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, अस्तूप संबंधित है निम्न में से, ठीक है। अस्तूप जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न है, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगति दोस्तों टोटल केवल मतलब जो है वह चार शासकों में हुआ था, ठीक है। आपका पहला जो हुआ था दोस्तों ये आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, दूसरा जो हुआ था ये आपका कालाशोक के में हुआ था, तीसरा जो हुआ था दोस्तों ये आपका अशोक के शासन काल में हुआ था, और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था ये आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ठीक है। बौद्ध संगति जो है दोस्तों ये टोटल आपका चार बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, ठीक है। चारों को आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? तो बुद्ध को जब महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसके बाद, ठीक है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है आपका गुरु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, 22वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, धार्मिक सद्भाव में आपका ऑप्शन भी है, हिंदू और मुसलमान में एकता, सामाजिक भेदभाव में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन का जो योगदान था ये आपका धार्मिक सद्भाव में भी था, हिंदू और मुसलमानों में एकता में भी था, और सामाजिक भेदभाव में भी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भक्ति जो आंदोलन है दोस्तों ये आपका कौन से क्षेत्र में विकसित हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन है उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या फिर पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? यहाँ पे तालवंडी नहीं होगा दोस्तों, तलवंडी होगा, ठीक है। तलवंडी किस का जन्म स्थान है? आपका ऑप्शन है कबीर का, नानक का, मीरा का या फिर गुरु रैदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक का, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान जो हुआ था ये आपका तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, ठीक है।
आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस काल में प्रशासन में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आयंकर, ठीक है, आयंकर हो जाएगा यहाँ पे, आयंकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है, नायंकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर काल में, ठीक है, विजयनगर काल में दोस्तों आयंकर और नायंकर व्यवस्था प्रचलित थी। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालिकोटा का युद्ध, ठीक है, तालिकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था। आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कृष्णदेव राय कौन से साम्राज्य के राजा थे। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।